हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एसएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, क्लास टेंथ का ही इंग्लिश का पेपर हुआ है, जो इसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं, फुल पेपर सॉल्यूशन। तो देखिए, अंत तक देखते रहिए, फुल वीडियो वॉच करिए। और पहले मैं आपको ये देखिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। और इसमें जहाँ तक है तो आप समझ ही जाएंगे, टिक लगा हुआ है, पूरा पेपर इसी में सॉल्यूशन दिया गया है, पूरे पेपर का फुल पेपर सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, मैं अपना अभी बता रहा हूँ आपके लिए, फुल पेपर बताऊँगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन बताऊँगा मैं आपके लिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, इसी वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा पेपर का। जी हाँ, फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिए कि इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन दिया गया है। पहले मैं ये क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ आपके लिए, क्लास टेंथ का जो इंग्लिश का पेपर है 2020 का, वो आपके लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए आप। अब मैं देखिए आपको शुरू से लेके अंत तक पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया था इसमें पैसेज में, मैं इससे आंसर बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो, द वूमेन स्टार्टेड रनिंग। फिर यहाँ पे देखिए आप ऊपर आना है, वेन सी जब उसने देखा आर्मी, तो इसका यहाँ तक आर्मी तक राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से था, द किंग वांटेड टू नाउ। और फिर यहाँ पे देखिए आपको नंबर भी मिल जाएगा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए, हु आर दे चिल्ड्रन से लेके फेट तक, इसका दूसरे नंबर का राइट आंसर है। फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके तीसरे नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन का माई की जगह पे हर करना है। यहाँ पे हर मदर हैड प्लेस्ड हिज डॉटर इन हर केयर, तो यहाँ तक केयर तक इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे इसका राइट आंसर ब्रदर्स डॉटर, इसका राइट आंसर है। फिर है नेक्स्ट, प्लूरल बहुवचन बनाना है चाइल्ड का, तो चाइल्ड्रन इसका राइट आंसर होगा। फिर सेकंड पैसेज देखिए, इसमें पहले का राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर ही, यहाँ से फिर लिखना है ही डिड नॉट नाउ द स्पेनिश लैंग्वेज। ठीक, यहाँ तक इसका पहले का राइट आंसर होगा। फिर सेकंड का राइट आंसर आप देखिए यहाँ पे, द किंग से लेके मंथ्स तक सेकंड का राइट आंसर है। फिर थर्ड का राइट आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द से लेकर देन तक थर्ड का राइट आंसर है। फिर फोर्थ का राइट आंसर स्पेनिश आर्मी, इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन का उल्टा अपोजिट लिखना है, तो आंसर इसका अपोजिट राइट आंसर होगा। ठीक, फिर देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कौन सा आया था, यहाँ पे पहले का राइट आंसर यहाँ से था, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ ऊपर से लेके इट इज एन से स्ट्रेंथ तक, यहाँ पे पहले का राइट आंसर था। फिर दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे इधर से लेके इधर तक दूसरे का राइट आंसर है। फिर तीसरे का राइट आंसर ये इधर से इधर तक तीसरे नंबर का राइट आंसर है, ये दूसरे नंबर का, वो तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, आपके लिए फुल पेपर सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक, कनक्यूअर इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर ये पहले नंबर का हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे, ये एप्लीकेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है सागर, तो आप
ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन, फिर मैरिज योर एल्डर सिस्टर मैरिज का लेटर आया था, ठीक। फिर आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोटिस समरी है तो आप इसको कर लीजिएगा देख के। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे साइंस बंड ऑफ साइंस का निबंध आया हुआ था ये, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बंड ऑफ साइंस का निबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहले का राइट आंसर था गोज, फिर नेक्स्ट इसमें टू बॉय, फिर इसमें लेफ्ट, और इसका राइट आंसर बेंट, और इसका टीचिंग, और इसका यूजेड टू, और इसका एन, और इसका बट, और इसमें एक्सेप्ट, ठीक। और फिर नेक्स्ट आंसर इसमें बार्किंग, बार्किंग, फिर इसमें मे आई कम इन मैडम आ जाएगा, और फिर इसमें कैन, और इसमें फोर, और इसमें बिटवीन राइट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सी राइट्स अ लेटर, तो इसका नेगेटिव बनाना है, तो डज नॉट सी डज नॉट राइट, ऐसा हट जाएगा राइट से, राइट अ लेटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपके लिए यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है, दी सेंग आ पोएम, तो इसका राइट आंसर होगा आ पोएम बाज संग बाय देम। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आंसर लता वाला, लता हैज ईटन आ मैंगो, इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हेमलता टेक्स, यहाँ पे आप अगर एस लगा देते तो भी राइट आंसर था, और यहाँ पे टुक कॉपी कर देते तो भी इसका राइट आंसर था। फिर यहाँ पे कुंदन, इसका क्वेश्चन बनाना था प्रश्नवाचक, तो इसका बिल आगे ला के यहाँ पे क्वेश्चन टैग लास्ट में लगा देती, उसका राइट आंसर हो जाता। फिर यहाँ पे ये इसका आंसर ये दिया गया है, और इसका आंसर ये दिया गया है, ये पूरा नहीं हुआ। हिज ड्यूटी, राजकुमार डिड हिज ड्यूटी, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग आ जाएगा नीचे, ठीक। फिर यहाँ पे हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, वी शुड ऑबे आवर पेरेंट्स, इसका राइट आंसर होगा। फिर पूर्व सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स द बेस्ट। फिर यहाँ पे मेरे पास दो पुस्तकें हैं, आई हैव टू बुक्स। फिर वह एक गीत गाएगा, ही विल सिंग अ सॉन्ग। फिर तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, और क्वेश्चन टैग यहाँ पे इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर, तो तीसरे नंबर का राइट आंसर है इसमें, और इसमें ये पहले नंबर का राइट आंसर, इसमें हिस्टोरिकल राइट आंसर होगा। और फिर यहाँ पे जो चौथे नंबर में राइट आंसर है, तो इसका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक, नंबर भी लिखा है चौथे नंबर का। फिर ये पैसेज दिया गया है, तो इसका पहले का ये दूसरे नंबर का राइट आंसर है, उसमें वेलकम का ऑपोजिट ब्लोम शब्द लिखना है, तो अनवेलकम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है यहाँ पे इसका राइट आंसर रिच फैमिलीज, ठीक, और इसमें डी नंबर का आंसर, डी नंबर का आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप देख लेना डी नंबर का, और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बता ही दिए। फिर चौदहवें नंबर का जो क्वेश्चन आया था, तो उसमें पहले पोएट हैं के आर्यन रविन्द्रनाथ टैगोर, और यहाँ पे इसका नॉलेज, और इसमें इग्नोरेंस इसका राइट आंसर होगा, टिक लगे हुए हैं पेपर में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पूरा क्वेश्चन, थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस पेपर को, पूरा पेपर सॉल्यूशन है इस वीडियो में, थैंक यू।